रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखते हैं इसको, देखो सबसे पहले सुनो, रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात करूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपका होता है ऐसा प्रोसेस जिसको आप फॉरवर्ड भी तो चला सको और जिसको आप बैकवर्ड भी चला सको, जो भी, ठीक है, जिसको आप बैकवर्ड भी चला सको। क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। मतलब जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उसके अंदर गर्मियों में क्या होता है, ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं और आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है ना, ठीक है। जब वापस सर्दी आती है तो उसके अंदर जो आपका जो वाटर है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन सालों साल सदियों तक चलता रहता है और इसमें ना पानी का कुछ बिगड़ता, ऐसा नहीं होता कि पानी से कुछ और बन गया, पानी का कुछ और बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नेचर चेंज नहीं होगी, वही पानी है वही बर्फ हमेशा से। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। जम गया, ठंडा हो गया, बार बार स्टेट चेंज हो गई, बट मेन मटेरियल है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो H2O ही था, H2O ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। रिवर्सिबल प्रोसेस का अब आप उल्टा सुनो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग। दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव ऑन करे, एक डायरेक्शन में चले, ठीक। हाँ, ऐसा प्रोसेस जो एक डायरेक्शन में चले उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको अपन लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ, जैसे दूध से दही का जमना, ठीक है, क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो, आप कुछ कर लो नहीं बनेगा, तो वो एक कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस एक जगह पे जाके ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो एक एंड पे जाके रुक जाए उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे और अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आदमी की एज का बढ़ना, कोई आदमी की अगर एज बढ़ गई तो उसको आप वापस जवान नहीं कर सकते, ठीक है, अभी तक तो ऐसा कोई इन्वेंशन है नहीं, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, अभी कुछ स्टडीज चल रही है उनके अंदर ये बोलते हैं, मतलब कि जो आपकी एज है ना, जो आपकी एजिंग होती है, ठीक है, जैसे मतलब आदमी की एज बढ़ती है, तो ऐसा बोलते हैं कि आदमी की एज तब बढ़ती है जब उसके उसके मतलब बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल काफ़ी ज़्यादा जम बनने लगते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल ज़्यादा कब बनते हैं, जब फूड है वो ढंग से टूटता नहीं है और धीरे धीरे आपकी बॉडी है वो ऑक्सीजन लेना कम कर दे, ठीक है। और हमारे नेचर के अंदर ऐसे बहुत से प्रोसेस है, मतलब बहुत से मटेरियल है जो अपने बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, मतलब वापस शरीर को ऐसा बना सकते हैं जिससे वो पहले जितनी मात्रा में ऑक्सीजन ले रहा था उतनी मात्रा में ले सके, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ऐसा कुछ अभी मतलब मैंने पढ़ा था, एक साइट है लैंसेट स्टडीज़, ठीक है, वैसे ऑफ द टॉपिक जाना तो नहीं चाहिए बट मैं आपको चलो बताता हूँ, एक लैंसेट स्टडी नाम का एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है, वो लोग है उनका कुछ से, तो वो लोग अपने उसमें उन्होंने जो उनका गैजेट था वो शायद वीकली निकलता है या मंथली निकलता है, उनमें उन्होंने बताया था कि हमने एक ऐसी स्टडीज़ की है जिनके अंदर ये पता लगा है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ह्यूमन एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं, ठीक है, वापस कर सकते हैं, ऐसा नहीं बढ़ेगी तो पक्का, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंट कर सकते हैं एक अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो, और अगर अभी की मेहनत देखें तो हम कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मटेरियल है, ऐसे फ्रूट्स है एंटीऑक्सीडेंट वाले, जैसे आपके स्ट्रॉबेरी, लीची, टी, ग्रीन टी, लेमन टी, और अगर और किस में अगर मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी जो बॉडी है उनके अंदर से फ्री रेडिकल को ख़त्म करती है और एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, यानी आदमी है वो काफ़ी उम्र तक जवान रह सकता है।
तो ऐसा एक स्टडी में बताया गया था, तो वही। बट आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं है कि 60 साल का कोई बूढ़ा है उसकी एज आप 2 साल कर दोगे, उसको बच्चा बना दोगे, नहीं नहीं कर सकते। तो वैसी वाली प्रोसेस है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वैसी वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो लास्ट जाके एक एंड पे पहुंचे, ठीक है। और एक मैं आपको और बताऊं, आदमी की हाइट का बढ़ना, ठीक है, अगर आदमी की हाइट है वो एक बार बढ़ गई तो वापस उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाले सारे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है, ठीक। और देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप बहुत एडवांस स्टडी करोगे ना, 11th में तो नहीं बट BSc शायद सेकेंड ईयर है, ठीक है, तो BSc सेकेंड ईयर के अंदर जो मतलब है उसके अंदर ये एक लगता है थर्मोडायनेमिक्स थर्ड रूल, मैं करवा दूंगा। क्योंकि देखो कल को अगर मान लो मुझे कॉलेज के अंदर क्लासेस लगानी पड़े तो सीधी सी बात है मैं थर्मोडायनेमिक्स वहाँ दोबारा क्यों करवाऊंगा। अगर मैं यहाँ पूरा डिटेल में चल रहा हूँ तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आपके और सेकेंड ईयर के सिलेबस में इतना सा भी फ़र्क नहीं है, इतना सा फ़र्क है, 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो 2 टॉपिक तुम्हारे भी है बट उनके थर्मोडायनेमिक्स के है, तुम्हारे KTG में, ठीक है, अलग नहीं है कुछ भी, सेम टू सेम है। तो तुम लोगों का ऐसे मान लो 7 नंबर का काम हो जाएगा, सेकेंड ईयर वालों का 15-20 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि उनके तो पूरी बुक है थर्मोडायनेमिक्स, और बुक में से जितना मैं करवा दूंगा वो होगा उस बुक का 20%, ठीक है। तो आप अपने एक पेपर का 20% निकालो, दैट विल द योर मार्क्स। हाँ अब सुनो, तो थर्मोडायनेमिक्स की एक रूल है थर्ड रूल, ठीक है, थर्ड रूल के अंदर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी है वो होती है कोई भी मतलब बॉडी है ना, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्लास है तो इस क्लास की एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मान लो आप डिस्पर्जन, ठीक है, इसको इरेगुलरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार रिकॉल करवाता हूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो दोनों डायरेक्शंस में चलती है, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस जो थी आपकी, उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था, वाटर से आइस बनना, आइस से वापस वाटर बनना, ठीक है। और इरिवर्सिबल जो आपकी प्रोसेस होती है उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, दूध से दही जमना और आदमी की एज हो जाना, आदमी की हाइट बढ़ जाना वहाँ तक, ठीक है। तो आप वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि एक थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल होता है, ठीक है, ये एडवांस इन्फॉर्मेशन है, ये अलग ही ज्ञान है, ठीक है, जो तुम लोगों को लेना है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड रूल है ना, उसके अंदर एक टर्म आती है एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी होती है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन या मेजरमेंट ऑफ इरेगुलरिटी, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो किसी निकाय की अव्यवस्था की माप, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना जो क्लास है, स्टूडियो है, इसके अंदर एक कैमरा है, इधर 2 लाइट्स है, इधर वायरिंग है, उधर जो सॉकेट बोर्ड पड़ा है, और इधर कुर्सी है, और ये इधर डेस्क है, और इधर आपका स्टूडियो सेटअप है, इधर आपका लैपटॉप पड़ा है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं इन सारी चीज़ों को बिखेर के रख दूं पूरे रूम में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो रूम के अंदर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी हो जाएगी ना। तो उसको बोलेंगे उस टाइम में कि इस रूम की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उस बहुत ज़्यादा को मैं मान लेता हूँ 1000 है, ठीक है, ठीक है। एंट्रोपी की कोई यूनिट नहीं होती, एंट्रोपी अपने हिसाब से नाप सकते हो आप, एंट्रोपी को कितना भी नाम दे सकते हो, ठीक। आप ये बोल सकते हो इस रूम में 5 चेयर है वो बिखरी पड़ी है, तो आप बोल सकते हो कि वो जो 5 चेयर है वो उनकी एंट्रोपी 5 है, ठीक है, क्योंकि वो 500 अलग अलग बिखरी पड़ी है, ठीक है। अब उन्हीं 5 चेयर को आपने इस बोर्ड के यहाँ पास में लगा के एक दूसरी उसके ऊपर, जैसे विवाह शादी में रखते हैं 2, फिर 3री, फिर 4थी, फिर 5वीं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेयर के हिसाब का स्पेस घेरा होगा, तो आपने एंट्रोपी को 5 से कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है।
पाँच से अगर आपने एंट्रोपी को दो कर दिया तो इसका मीन ये हुआ कि एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम के अंदर मेजरमेंट ऑफ इरेगुलरिटी या मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, आप डिस्पर्सन कितना ज़्यादा है, इरेगुलरिटी कितनी ज़्यादा है, इरेंजमेंट कितना ज़्यादा है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे कि इस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रोपी है। या अगर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक ही जगह में, इतनी सी जगह में सारी चीज़ें मैंने सलटा दी, पूरा रूम बाकी का खाली पड़ा है, तो मैं बोलूँगा बहुत कम एंट्रोपी है, मैंने एक जगह जमा कर दी है सारी चीज़ों को। चाहे आप चूरा चूरा करके एकदम छोटी सी जगह में कर दो, उसकी एंट्रोपी मिनिमम मानी जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है चीज़ सलामत रहे, बस यही है। ठीक है, अब एक चीज़ और, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल ये कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के अंदर लगातार इरेगुलरिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इरेगुलरिटी बढ़ने का मतलब हुआ क्या हुआ कि देखो, आपने अगर 8वीं 9वीं क्लास ढंग से पढ़ी है तो आपने एक मतलब चीज़ पढ़ी होगी, आपने ये पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास के अंदर कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लेनेट है ना, जैसे सन है, जैसे ये धरती है, ये दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, और अपना जो यूनिवर्स है ना वो भी गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। ठीक है, और ये इतना फूल रहा है कि एक सेकंड के अंदर ये 1,00,000 किलोमीटर तक फूल जाता है एक सेकंड में, तो आप मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना क्या है, कुछ कुछ ऐसा कुछ एक स्टडी थी, और एक स्टडी क्या थी, ये तो वेरीफाइड स्टडी थी। ठीक है, मतलब ये तो बुक्स में भी आज भी आता है, ये तो एक रूल बन गया है, इसी को तो बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल कि यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी और उस टाइम दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा साइंटिस्ट है वो, उन्होंने स्टडी किया, मानते तो नहीं बोल सकते, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल यही कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यूनिवर्स है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह, और उसका एकदम मतलब वो डिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब कब एंट्रोपी मैक्सिमम होगी ये किसी को नहीं पता, और किस स्टेज को आप मैक्सिमम कहोगे ये भी नहीं पता। ठीक है, आप किसको मैक्सिमम बोलोगे? ठीक है, दो प्लेनेट एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर चले गए, इसको आप मैक्सिमम एंट्रोपी बोलोगे, या एक दो प्लेनेट एक दूसरे से 10,000 करोड़ किलोमीटर दूर चले गए, इसको आप मैक्सिमम बोलोगे? वो आपका नज़रिया अलग है, क्या पता यूनिवर्स का नज़रिया अलग हो। ठीक है, बट हाँ, ऐसा मानते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स के अंदर एक चीज़ दूसरे से इन्फिनिटी दूर होगी और उस टाइम यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ से बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे तो देखो इतना ही बताना चाहिए आपको, आपका सिलेबस में तो इतना ही है। ठीक है, बट इन दिनों है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक मतलब थे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक आपने एक नाम भी सुना होगा, सदगुरु कुछ है एक, मतलब अब इनको क्या बोलूँ, मतलब आदमी है। ठीक है, संत भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप इनकी कई बातें सुनोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये संत है। ठीक है, और आप मतलब एक आदमी है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी चर्चित है, आप मतलब इंटरनेट पे सर्च करना, काफ़ी इनकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा बोलते हैं कि इनका 9,00,000 करोड़ का एक महीने का टर्नओवर है, ऐसा कुछ 9,00,000 करोड़ इनकी एक महीने की शुद्ध कमाई है खर्चा निकाल के। तो ये एक बार मतलब बोल रहे थे, और इनका कोई बिजनेस नहीं है फैला हुआ इतना, जैसे बाबा रामदेव पतंजलि वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमी है, ये अपने मतलब अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ठीक है, और लोग इसकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, इसको सुनते हैं, जगह जगह इसके कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, इसको सुनते हैं, उसी से पैसा आता है, टिकट वगैरह होती है, वो सिस्टम है। तो इसने एक बार ये बोला था कि जो आपका यूनिवर्स है ना वो टोटल 112 बार बनेगा और टूटेगा। ठीक है, मतलब एक बार यूनिवर्स बना फिर ख़त्म हो गया, फिर दूसरी बार बना फिर ख़त्म हो गया, ऐसे यूनिवर्स है वो 112 बार बनेगा, और 112 बार बनने के बाद फाइनली यूनिवर्स ऐसा बन जाएगा जिसका कभी एंड नहीं होगा। एक मतलब जो अपने शास्त्र है उनके अंदर एक टर्म आता है, शाश्वत, इटर्नल। ठीक है,
ये जाना मत या कहीं लिख मत आना तुम। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो पढ़ाने का मज़ा तभी है जब आप जो मतलब क्या बोलूँ, जब आप लेटेस्ट चीज़ों से अवेयर हो और उसके संबंध में अपने ज्ञान का यूज़ करो। देखो रटना बहुत आसान है चीज़ों को, आप आराम से रटो, कोई नहीं आपको पूछेगा। बट आप उन चीज़ों को आज के दृष्टिकोण में देखो, आप एंशियंट में देखो, ठीक है, आप अपने पुराने जो ग्रंथ है गीता वगैरह या पुराने टाइम में जितनी खोजें हुई उनसे मैच करके देखो कि क्या वो सारे उन रूल्स को क्या उन सारे रूल्स को वो फॉलो कर रही है या उनको अबाइड कर रही है। ठीक है, अगर फॉलो कर रही है इसका मीन तो ये हुआ कि हम पहले ज़्यादा विकसित थे, हमने वो चीज़ें खोज ली और आज हम उनको दोबारा खोज के खुश हो रहे हैं। और अगर आज नहीं खोजी है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई मिथ टूट रहा है। मिथ टूटने का मतलब हमारा कोई अंधविश्वास है वो टूट रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो साइंस का मीन यही है कि डेवलपमेंट को डेवलप करना, खुद को, अपने समाज को, अपने कंट्री को, अपने यूनिवर्स को। और डेवलप तभी कर पाओगे जब आपको ये तो ध्यान होगा कि आप डेवलप हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लिख मत आना कहीं, ठीक है, भगवान की कृपा से। तो इटरनल का मीन होता है शाश्वत। तो उसने ये बोला कि जो 112 बार ब्रह्मांड बनेगा तो वो लास्ट जाके वो क्या होगा, शाश्वत होगा, वो कभी टूटेगा नहीं। और अभी जो यूनिवर्स बन रहा है वो 84th बन रहा है। ठीक है, ये बन भी रहा है साथ साथ और टूट भी रहा है, ऐसा कुछ उसने बोला था। ठीक है, तो काफ़ी उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि देखो एक टाइम से ये अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से थ्योरी को फॉलो कर रहा है ये आदमी। ठीक है, इसने एक मतलब साइंटिस्ट भी काफ़ी था अमेरिका का, उससे अभी मुझे नाम तो नहीं याद, तो उसने इससे बात की थी। तो इसने बोला था कि ये 84th बार बन रहा है अभी और ये मैंने फील किया है, ये मैंने अपनी रिलीजियस कैलकुलेशन से निकाला है, ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ था। तो वैसे देखो तो इसकी बात सही है क्योंकि मान लो 84th अगर यूनिवर्स जो भी मान लो यूनिवर्स है वो एक बार बन के पूरा ख़त्म होता है और उसके बाद अगर दोबारा से बनना स्टार्ट होता है तो वो जीरो एंट्रोपी से बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है मे बी, बट इस चीज़ का कोई वो आधार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल भी यही बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यूनिवर्स पूरा तबाह हो जाएगा और एक प्लेनेट जैसे धरती से जो मून है ना वो इन्फिनिटी किलोमीटर पे होगा, दिखेगा ही नहीं, इतना दूर होगा, लगातार दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि यूनिवर्स है वो खुद एक कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। ठीक है, बट सदगुरु जी के हिसाब से ये रिवर्सिबल है ना। एनीवे तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, इतना समझाने का मीन सिर्फ यही था कि एक बार क्वेश्चन आया था 11th क्लास में कि यूनिवर्स खुद है वो कौन सी प्रोसेस के अंडर आता है। तो यूनिवर्स खुद, सीधी सी बात है, यूनिवर्स खुद है वो लगातार फैल रहा है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, ये रूल बोलता है। ये बात तो अलग है, ये छोड़ो आप, ये बनेगा टूटेगा हमें नहीं पता, दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, हम इतना विश्वास कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम अंत की ओर जा रहे हैं लगातार। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोबारा कभी कुछ नहीं होगा और इसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एक टाइम ऐसा आएगा यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, यानी एक एंड पे जाके प्रोसेस रुक जाएगी और उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाय।